सांसद जी 123 लोगों की मृत्यु हो गई है, 20 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। आप मिलके आ रहे हैं पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का क्या? हटा लो सांसद जी। घटना बहुत ही दुखद है, घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है, शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, सरकार की प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो घायल है वो खतरे से बाहर है और उनको बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। जो मृत व्यक्ति हैं उनका 118 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करके उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। 5 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त की जा रही है और जैसे ही शिनाख्त हो जाएगी उनको भी पोस्टमार्टम करके हम लोग घर भेजेंगे। राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव का बयान आया है, आप जानते हैं। देखिए ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम इस दुख की पीड़ा में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। घायलों से मिलके आए हैं, क्या करंट स्टेटस है, क्या बातचीत हुई? हमारी सभी घायलों से बात हुई है और बातचीत सब लोग कर रहे हैं, खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड सर, आगे क्या कुछ रहेगा? अभी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर और चार्जशीट कब तक आ जाएगी? एफआईआर में शीघ्र से शीघ्र आप इंतजार करें, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति होगा सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है पुनः आपके समक्ष मीडिया के समक्ष आएगा। 80,000 लोगों का लगभग वहाँ पे इंतजाम, लेकिन 2 लाख सड़क के दोनों तरफ। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, मुख्य सचिव को और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए गए हैं, सभी जिलाधिकारियों को और कप्तान को इस बात की निर्देश दें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अभी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, पूरी बात हम बताएंगे। सांसद जी 123 लोगों की मृत्यु हो गई है, 20 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। आप मिलके आ रहे हैं पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का क्या? हटा लो सांसद जी। घटना बहुत ही दुखद है, घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है, शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, सरकार की प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो घायल है वो खतरे से बाहर है और उनको बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। जो मृत व्यक्ति हैं उनका 118 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम करके उनके घरों को रवाना कर दिया गया है। 5 डेड बॉडीज की अभी शिनाख्त की जा रही है और जैसे ही शिनाख्त हो जाएगी उनको भी पोस्टमार्टम करके हम लोग घर भेजेंगे। राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव का बयान आया है, आप जानते हैं। देखिए ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम इस दुख की पीड़ा में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। घायलों से मिलके आए हैं, क्या करंट स्टेटस है, क्या बातचीत हुई? हमारी सभी घायलों से बात हुई है और बातचीत सब लोग कर रहे हैं, खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड सर, आगे क्या कुछ रहेगा? अभी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर और चार्जशीट कब तक आ जाएगी एफआईआर में? शीघ्र से शीघ्र आप इंतजार करें, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, कितनी भी पहुंच का व्यक्ति होगा सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है पुनः आपके समक्ष मीडिया के समक्ष आएगा। 80,000 लोगों का लगभग वहाँ पे इंतजाम, लेकिन 2 लाख सड़क के दोनों तरफ। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, मुख्य सचिव को और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए गए हैं, सभी जिलाधिकारियों को और कप्तान को इस बात की निर्देश दें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अभी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, पूरी बात हम बताएंगे।